हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। माय नेम दिनेश चौरसिया। आप हम आपको पढ़ाएंगे कि क्लास इलेवंथ का मैथ्स, और मैथ्स का जो बुक पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी कंप्लीट सोल्यूशन देंगे यहाँ पे। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा लेसन है और कैसे आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखो, क्लास इलेवंथ में टोटल एक पेपर होगा, यानी यहाँ पर वो टोटल 100 नंबर में पूछा जाएगा। सबसे पहला लेसन जो है समुच्चय, इंग्लिश में इसको सेट्स बोलते हैं, तो ये समुच्चय हो गया। और इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, ये सारे टॉपिक आ रहे हैं, इसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जब आपको पढ़ाएंगे तो ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरा है इसमें संबंध एवं फलन, दूसरा टॉपिक लेसन जो हो गया वो संबंध एवं फलन। तीसरा लेसन जो है वो त्रिकोणमितीय फलन। इसके बाद देखते हैं चौथा लेसन गणितीय आगमन का सिद्धांत है। पांचवा लेसन है समृद्ध संख्याएं एवं द्विघातीय समीकरण, यानी समृद्ध संख्या तथा द्विघातीय समीकरण। पिछले क्लास आपने टेंथ में पढ़ा होगा द्विघातीय समीकरण, वही पढ़ना है बस थोड़ा सा और उससे ज़्यादा। अगला है रैखिक असमीकरण, ये आपने क्लास टेंथ में नहीं पढ़ा था, लेकिन रेखाओं को दो समीकरण दिए होते थे तो ग्राफीय विधि से उसका समीकरण का हल करते थे, तो सेम उसी के जैसा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगला लेसन है क्रमचय तथा संचय, यानी लेसन सेवन है क्रमचय तथा संचय। और आठवां लेसन है द्विपद परिमेय, नौवां लेसन है अनुक्रम तथा श्रेणी। समांतर श्रेणी आपको बताया गया था क्लास टेंथ में ही, लेकिन 30% के सिलेबस में कटने के कारण आपको पढ़ाया नहीं गया होगा, यहाँ पर कटा ने इसको अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, बहुत आसान सा लेसन है। अगला लेसन है सरल रेखाएँ, सरल रेखाएं आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट वाला, यानी एक्स एच वाई एच, उसमें रेखा को कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा वही हमारा इसमें सरल रेखाएं। शंकु परिच्छेद, शंकु परिच्छेद आपके लिए नया लेसन होगा लेकिन बहुत आसान सा है, ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय बताएंगे, यानी थ्री डायमेंशन में, जैसे आपने सरल रेखाएं जो होती है वो खींचते हैं टू डायमेंशन में, यानी यहाँ पर, और त्रिविमीय ज्यामिति जो होता है वो थ्री डायमेंशन में होता है। सीमा तथा अवकलज हो जाएगा लेसन 13। फिर गणितीय विवेचना, यानी लेसन 14 जो है वो गणितीय विवेचना है। लेसन 15 सांख्यिकी, आपने पढ़ा था समांतर माध्य, पढ़ा था मध्यिका बहुलक, वो सांख्यिकी है, उससे थोड़ा सा व्यापक लेवल में पढ़ना है। अगला लास्ट है इसमें प्रायिकता, ये हमें पढ़ना है, क्लास आपने टेंथ में नहीं पढ़ पाए थे प्रायिकता, कोई बात नहीं, यहाँ पे जो पढ़ाएंगे अच्छे से तो जो आपको क्लास टेंथ की प्रायिकता वो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो टोटल लेसन जो है हमें 16 लेसन पढ़ना है यहाँ पर। ये अनंत श्रेणी है, इसको भी टाइम मिलेगा, इसमें जो पीछे है थोड़ा सा है, इसको बहुत लेसन है, बस हमारा पेपर यहीं तक आता है 16 लेसन तक, ये अनंत इसको पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, टाइम मिलेगा तो आपको पढ़ा देंगे, लेकिन टोटल जो है 16 लेसन। अब 16 लेसन आपको पढ़ना है तो पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे, यानी जितना लेसन है पूरा पढ़ाया जाएगा एक अच्छे तरीके से, जितना इसका कंप्लीट सोल्यूशन, यानी जो प्रश्नावली उसका पूरा सोल्यूशन आपको देंगे। बस आप वीडियो को देखते रहिएगा, शेयर और लाइक करते रहिएगा इसमें। अब देखो, हमें पहला लेसन जो था हमारा सेट्स, यानी समुच्चय, इसी को आज हम स्टार्ट करते हैं कि समुच्चय क्या होता है यहाँ पर। तो समुच्चय में देखो, यहाँ पर तो बहुत सारे स्थानों पे आप दैनिक जीवन में प्रयोग कर चुके होंगे, लेकिन आपको मालूम ही नहीं होगा कि समुच्चय क्या होता है यहाँ पर। समुच्चय में हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे जगहों पर प्रयोग है, जैसे बोलते हैं डाइनिंग सेट ऑफ डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल में आपको कहा जाता है तो उसमें सेट का प्रयोग करते हो, तो सेट का प्रयोग करने पर, लेकिन आपको नहीं मालूम है वो क्या चीज़ होता है कि हम डाइनिंग टेबल कहते हैं सेट ऑफ डाइनिंग टेबल लेने, तो डाइनिंग टेबल लेने जाते हो तो उसमें क्या करते हैं, एक आपको मेज़ दे दी जाती है, मेज़ के साथ कुछ कुर्सियां दे दी जाती है, ऐसे 6 कुर्सियां आपको दे दी जाती है, उसमें 6 कुर्सियाँ रहती है, एक इधर हो जाएगा, एक इधर और दो, ये 6 ऐसे कुर्सियाँ, तो सेट ऑफ डाइनिंग टेबल। लेकिन आपको नहीं मालूम है मैथ्स में कैसे हम सेट को प्रदर्शित करते हैं, तो उसी को समझते हैं। बहुत सारे दैनिक जीवन में आप प्रयोग करते हो, अब कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं अभी आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेट क्या है, फिर अभी दैनिक जीवन में आपको कैसे कहाँ कहाँ प्रयोग किए होंगे वो परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। समुच्चय, यानी इंग्लिश में उर्दू से वस्तुओं के सुपरिभाषित, सबसे पहली परिभाषा है
कि सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्च कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, कोई वस्तु को सुपरिभाषित कहा जाए, यानी परिस्थितियों के अनुसार कोई भी वस्तुएं ना बदले कि उसका गुण और या ऐसा कुछ बदल जाए, सुपरिभाषित यानी चाहे जैसी परिस्थिति आए वो उसका मान सदैव क्या नियत ही रहे, यानी कोई भी बदले ना, तो सुपरिभाषित बोला जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समुच्च बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं तो भी आपको सुपरिभाषित का मतलब समझ में आ जाएगा, ऐसे तो नहीं समझ में आया कि सुपरिभाषित। अब पहला कह रहा है 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं। अब आप बताइए 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, आपको सबको कोई व्यक्ति होगा छोटे से छोटा बच्चा होगा उसको भी मालूम होगा 10 से प्राकृतिक कम संख्याएं, 10 से कम जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 5 होगा, 6, 7, 8, 9 ये क्या हो गए 10 से कम प्राकृतिक संख्या हो गई। अब आपसे किसी से पूछोगे कि बताइए 10 से कम प्राकृतिक संख्या है कौन सी है, तो बताएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जीरो नहीं आता, जीरो जो आता है वो पूर्ण संख्याओं में आता है, जीरो को कभी नहीं ऐड करेंगे। तो ये क्या सुपरिभाषित है, किसी से भी पूछोगे चाहे जिस आपके अपने पड़ोसी से, अपने सीनियर से, जूनियर से, कोई भी पूछोगे कि प्राकृतिक संख्याएं बताइए 10 से कम, तो आपको ऐसे बता देगा 1 से 9 तक। किसी के लिए ये नहीं हुआ कि कोई दूसरे व्यक्ति से पूछे तो वहां पर बदल गया, किसी तीसरे से पूछे वो दूसरा कुछ और बता रहा है, उसको नहीं मालूम होगा तो अलग बातें हैं, लेकिन जिनको अगर मालूम है प्राकृतिक संख्याएं हैं तो हमेशा 1 से लेकर 9 तक ही आएगा, 9 तक यहाँ पर गिना देगा जिससे आपको पता चले। पर तो ये क्या सुपरिभाषित है, यानी किसी परिस्थितियों में ये बदलने वाला नहीं है। अगला है भारत की नदियाँ। अब भारत की नदियाँ आपको याद होगा जैसे गंगा नदी हो गई, कावेरी हो गई, ये सब क्या है नदियाँ हैं, वो आपको कोई भी व्यक्ति गिना सकता है, अगर जिसको याद होगा वो आपको गिना सकता है, वो सुपरिभाषित है। अब विदेश की नदियाँ हम नहीं केवल भारत की नदियाँ पूछ रहे हैं, जब भारत की नदियाँ आपको गंगा जैसे गंगा हो गया, यहाँ पर कावेरी हो गया, इसके बाद गोदावरी हो गया, बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं, तो ऐसे बहुत सारी नदियों को गिना देगा वहाँ पर, तो भारत के क्या है ये सुपरिभाषित है वहाँ पे। अगला कह रहा ये आपको ज़्यादा समझ में आया बहुत अच्छे से, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं, आप इंग्लिश पढ़े होंगे तो वहाँ पर जानते होंगे कि इंग्लिश में कौन कौन से स्वर, ए ई आई ओ यू, ये 5 ही तो होते हैं। आपको नहीं मालूम होगा, आप अपने सर से भी पूछ लेना जो आपको इंग्लिश पढ़ाते होंगे कि सर बता दीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में कि यहाँ पर स्वर कौन कौन से होते हैं, तो स्वर आपको यही बताएंगे कि ए ई आई ओ यू होता है, इसके अलावा और कोई स्वर नहीं होता। ये क्या सुपरिभाषित है, इसमें आप जेड नहीं जोड़ सकते कि जेड जोड़ दोगे तो वो गलत है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। ये 5 स्वर है ए ई आई ओ यू। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, अब विभिन्न प्रकार के त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज में जैसे त्रिभुज को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर यानी यहाँ पर भुजाओं के आधार पर 2 प्रकार से, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर, यानी इसमें कोणों के आधार पर हो जाएगा इसमें। अब कोणों के आधार पर भुजाओं के आधार भी 3 प्रकार के होते हैं, इसमें यहाँ पर देखेंगे तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ये भी कितना होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो ऐसे कह रहा है ये हमेशा क्या प्रभाषित है, वो इससे नहीं कि कोई अलग बताएगा, हमेशा क्या हो ये 3 से 6 बताएगा, टोटल जो बताएगा भुजाओं के आधार पर 3 और कोणों के आधार पर 3 होते, टोटल आपको त्रिभुज जो गिनाएगा वो 6 ही होंगे, इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं गिना सकता, ये क्या परिभाषित है यहाँ पर। और फिर कह रहा है संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड आपको मालूम होगा किसका फैक्टर कर डालिए, जब आप फैक्टर करेंगे 210 का तो कितना होगा, 2 से कटेगा, 2 × 1 = 2 ये 0 हो गया, 2 × 5 = कितना 10, फिर किससे कटेगा 3 से, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, फिर आप देखो किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 × 7 = 35, 7 × 1 = 7, तो 210 बराबर आप कितना लिख सकते हो, 210 बराबर 2 × 3 × 5
गुड़े सात, और गुड़े एक भी लिख सकते हो यहाँ पे क्योंकि एक है, तो ये क्या हो जाए अभाज्य गुणनखंड हो गए, क्योंकि अभाज्य का मतलब वे होती है जो संख्या स्वयं से कटे या एक से कटती, उन्हें अभाज्य संख्या है। तो दो क्या है, स्वयं से कटेगी या तो एक से, तीन भी है तीन से ही कटेगी, या तो एक से पाँच है तो पाँच एक से कटेगी या स्वयं से, यहाँ पर सात है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये संख्याएँ होंगी। तो वही कह रहा है इसमें 210 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये भी क्या है कभी भी नहीं बदलने वाला, चाहे जिससे हम करेंगे तो ये हमेशा ही रहेगा। फिर कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स के मूल, अब इसके मूल कौन कौन से होंगे, छठवां एग्जाम्पल था एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो, यहाँ पर हो गया। अब इसमें जीरो हो गया तो आप देखो इसका फैक्टर कर लीजिए, जब फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको छः दो भागों में तोड़िए तो आप जानते हो छः को कितना, तीन गुणे दो, यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर यानी ये हो जाएगा थ्री प्लस टू इक्वल फाइव हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं थ्री एक्स माइनस, क्योंकि आगे माइनस है तो ये माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, इसका फैक्टर कर लेंगे, एक्स कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स माइनस तीन माइनस टू कॉमन हो जाएगा, तो एक्स माइनस दो तेई छः, दोनों में देखो कॉमन कितना हो गया एक्स माइनस तीन और एक्स माइनस टू हो जाएगा। इसको जीरो के बराबर ले सकते हैं, जब आप जीरो के बराबर ले लेंगे तो एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो होगा, एक्स इक्वल थ्री हो जाएगा, फिर एक्स माइनस टू इक्वल जीरो, एक्स इक्वल कितना होगा टू हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो दो मान निकल के आए, यानी यहाँ दो आ गया और तीन आ गए, ये हमेशा क्या कभी भी इसका फैक्टर जब आप करेंगे तो मूल कितने आएंगे, यही आएंगे, चाहे आप करो चाहे हम करें कोई भी अनुदर व्यक्ति करेगा, तो ये हमेशा क्या परिभाषित है, यानी कोई ऐसी वैल्यू ले लेंगे वो कभी नहीं बदलने वाली है। अब जैसे कुछ ऐसा कह दिया जाए कि यहाँ पर कि वो नहीं हो सकता, यानी सेट नहीं हो सकता, जैसे हमने कहा कि देखो अगला इसी में आपको कह दिया समुच्चय होगा कि नहीं होगा, जैसे कहा जाए कि हमारे सबसे यानी क्रिकेटर के सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन कौन से हैं वहाँ पर, अब सबसे अच्छे हमारे सबसे प्रिय खिलाड़ी यानी प्रिय खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो कोई कहेगा कि धोनी है, लेकिन कोई धोनी को नहीं पसंद करता होगा यहाँ पर, ले हम धोनी को पसंद कर रहे हैं, या कोई हो गया विराट कोहली को, या ऐसे अन्य व्यक्तियों को लिखेंगे, लेकिन हमारे में क्या हो सकता है, हम किसी व्यक्ति को पसंद करना ना पसंद करना वो मेरे ऊपर होता है, ये नहीं होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको पसंद कर रहा है कि हम नहीं पसंद करें, तो ये हमारी इच्छा के अनुसार है, तो वहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी बदल जाएगी, तो ये सुपरिभाषित नहीं रखते हम। अब जैसे हमने कहा कि यहाँ पर इसमें दूसरा होगा कि भारत की सुंदर स्त्रियों का समुच्चय, अब सुंदर स्त्रियों का समुच्चय आप बताइए भारत में कौन कौन सी सुंदर स्त्रियाँ हैं, उसको आपको कहोगे वहाँ पर, तो सुंदर स्त्रियों का कोई ऐसा फिक्स मापा नहीं जा सकता कि वो क्या होगा, एक फिक्स होगा सुंदर स्त्रियों के लिए, ना कोई आज तक माप बताया गया कि कौन कौन सी स्त्रियाँ सुंदर हैं या कैसी हैं, उनका कोई माप नहीं है, इसलिए क्या कह सकते हैं उसको हम समुच्चय में नहीं रख सकते, जो समुच्चय में रखेंगे तो हमेशा क्या हो सुपरिभाषित ही रहेगा, उसकी वैल्यू कभी बदलने वाली ना हो, यानी जिसका माप तोल ना हो यानी कोई मानक ना हो तो समुच्चय में नहीं होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसको हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, तो ये तो समुच्चय हो गया, तो यही कहा गया कोई वस्तु ले लिया जाए वो क्या सुपरिभाषित हो, संग्रह का मतलब हम क्या कर इकट्ठा कर दें, यानी इकट्ठा उसको रखा गया हो वहाँ पर, तो उसे को ही हम क्या बोलते हैं समुच्चय या सेट बोलते हैं, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम और भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला में आप जानते हो 26 वर्ड होते हैं वही टोटल आएंगे, तो वो हमेशा परिभाषित रहेंगे, ये नहीं कोई इसमें 27 आ जाएगा तो हमेशा 26 उतने ही रहेगा। अभी इसमें देखो आगे ये हो गया हमारा समुच्चय कि समुच्चय को क्या था उसके बारे में डिस्कशन कर लिए, फिर इसके बाद कुछ विशेषताएं यानी कुछ इसमें क्या होते हैं विशेष उदाहरण है, ये विशेष उदाहरण कि कौन कौन से होते हैं, जैसे हमें समुच्चय मिलता है तो कुछ सिंबल के द्वारा बहुत सारे जगहों पे ऐसे सिंबल मिल जाते हैं, अब सिंबल मिल जाते हैं तो कैसे कैसे सिंबल दे देंगे उसको हमें जानना जरूरी होता है। जैसे कहा गया प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, प्रकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, अभी आपको हमने पीछे ही बताया था कि 10 से कम कहा गया प्राकृतिक संख्या, तो कौन कौन सी थी यहाँ पर आगे लगा कर लिख देते हैं 1 2 3 4 ऐसे एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा
ये प्राकृतिक संख्याएं होगी, तो इसको हमेशा क्या कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड है पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांक कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, तो पूर्णांक में देखोगे ये होता है -3, -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये पूर्णांक होते हैं। धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक को समुच्चय होगा। फिर परिमेय, ये लिखा हुआ धन पूर्णांक का, अगर धन पूर्णांक देखते हैं तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ऐसे हो जाएगा। फिर ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा, -1, -2, -3, -4 ऐसे आता हुआ चला जाएगा। ये धन पूर्णांक ऋण। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याएं आप जानते होंगे बटा वाला, यानी पी बाई क्यू हो, यहाँ पर किसी भी संख्या को हम पी बाई क्यू लिख दें और जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो बटे के रूप में जो संख्याएं मिलती है वो समुच्चय, इसको हम क्यू से लिखते हैं। फिर अगला है हमें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याएं यानी जो नंबर आपके पास दिए गए हैं, समुच्चय का होगा प्राकृतिक तथा पूर्णांकों को, और ये तीनों संख्याओं को जब मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाता है, रियल नंबर्स बन जाता है। और अपरिमेय समुच्चय, यहाँ पर अपरिमेय नहीं लिखाया गया, तो अपरिमेय जब मिला देते हैं तो ये वास्तविक संख्या हो, अगर कहीं भी लिखा हो तो आल रियल नंबर को भाई आर के द्वारा रियल नंबर है, प्राकृतिक संख्या यहाँ पे वास्तविक संख्या हो, क्यू के द्वारा परिमेय संख्या हो, जेड के द्वारा पूर्णांकों को, एन के द्वारा प्राकृतिक, अगर प्लस लिख दिया गया तो ये धन पूर्णांक, और माइनस लिख दिया गया तो ये हमारे विशेष उदाहरण होते हैं। इसको आप याद कर लेना क्योंकि बहुत शॉर्ट में ये लिखे होते हैं। यहाँ पर जैसे लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिख दिया, बिलोंग से मतलब एक्स क्या आर यानी रियल नंबर से कोई भी अवयव ले लिया गया, तो इसका मतलब अगर हम नहीं जानेंगे तो वहां पर समझ को समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या कर रहा है, इसलिए आपको याद करना होगा, इसको आपको याद कर लेना। अगला टॉपिक है इसी में समझ को लिखने के कुछ विशेष बिंदु, यानी हम समझ होता है तो समझ, क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में ऐसे दैनिक जीवन में तो हम पढ़ते ही समझते हैं, लेकिन कैसे क्या करेंगे, कॉपी में अपने लिखेंगे या कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पर है समुच्चय के लिए वस्तुएं हो, जैसे कहा गया कोई वस्तुएं ले लिए, फिर अवयव ले लिए, सदस्य पर्यायवाची पद है, यानी आपको कहा गया कोई वस्तु कहा गया, अवयव पढ़ा गया या उसका सदस्य पढ़ा गया, तो ये क्या हो पर्यायवाची हो गया। जैसे हमने अभी लिया था ए ई आई ओ यू, ये क्या था हमारा, ये चाहे इसको अवयव बोलो, चाहे इसको सदस्य बोलो, चाहे यहाँ पे वस्तुएं बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हो, ये हमारे क्या समुच्चय के पद कहलाते हैं। फिर समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, ये ध्यान देना कभी भी कोई भी समुच्चय लिखा गया है तो वही कह रहा है समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों ए बी सी डी से एक्स वाई जेड, यानी कोई भी वर्ड ले सकते हो लेकिन हमेशा क्या कैपिटल होना चाहिए, यही कहा गया समुच्चय जो लिखा जाता है अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। फिर इसके बाद इसमें कह रहा है कि समुच्चय के अवयव, ये क्या था अंग्रेजी इसमें समुच्चय लिखने का जो ढंग था मेरा वो बड़े अक्षर, लेकिन अब अवयव, अवयव का मतलब जो ए ई आई ओ लिखा है ये अवयव हैं, इनके बीच में यानी बड़े मझले ब्रैकेट के बीच में जो लिखा जाता है तो अवयव कहलाता है। अवयव को कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, यानी समुच्चय जब लिखेंगे, जैसे हमने ए लिख दिया तो ये क्या है एक समुच्चय है, लेकिन इनके बीच का जो अवयव होगा वो छोटे अक्षरों से लिखा है, तो वही कहा गया कि छोटे अक्षरों ए बी सी डी एंड सो ऑन एक्स वाई जेड किसी से भी लिख सकते हैं, लेकिन जब इसके बीच में लिखेंगे यहाँ पर अवयव को तो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से। फिर इसके कह रहा समुच्चय को सदैव क्या करते हैं मझले कोष्टक, यानी मझले कोष्टक के भीतर लिखते हैं, कोई भी लिखना होगा इसलिए बार बार आपने देखा होगा जब हम एग्जाम्पल बता रहे थे यहाँ पर, तो मझले कोष्टक, ये मझला कोष्टक होता है, आप ये छोटा जानते होंगे, ये बड़ा होता है और ये क्या रेखा होगा, तो हमेशा इसको कभी नहीं प्रयोग करेंगे, ना तो इसको प्रयोग करेंगे ना तो इसको प्रयोग करेंगे, तो सेट को हमेशा लिखते समय हमेशा मझले ब्रैकेट का प्रयोग और किसी ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करते, अगर और किसी ब्रैकेट का प्रयोग कर देते हो तो गलत माना जाएगा, इसलिए ध्यान देना समझ को लिखते समय चाहे जैसे कोई भी लिखना इसको विधियाँ बताई जाएगी तो हमेशा मझले ब्रैकेट में, तो ये कर्ली ब्रैकेट या मझला ब्रैकेट बोलते हैं तो इसको मझला ब्रैकेट निकलेंगे। अगला टॉपिक है इसमें समुच्चय को निरूपित करने की विधि, यानी हम समुच्चय को कैसे लिखते हैं। यहाँ पर इसमें देखो इसकी दो विधियाँ हैं, यानी समुच्चय को लिखने के लिए दो विधियाँ हैं, अब वो कौन कौन सी विधियाँ हैं, पहला है रोस्टर,
यह कह रहा है सारणीबिद या सूचीबिद, यानी ये दो विधियों में एक ही विधि के तीन नाम हो गए। सबसे पहला रोस्टर विधि हो गया, या कह रहा है सारणीबिद या सूचीबिद, यानी इसी को तीन नामों से जानते हैं और तीनों नाम आपके लिए याद करना जरूरी है। कारण क्या है, पेपर में पूछ लेता अभी कहेगा समुच्च को सारणीबिद में लिखिए। अब सारणीबिद आपको नहीं याद है तो हो सकता है आपको समुच्च निर्माणविद से लिख दे, तो इसलिए तीनों विधि को याद होना चाहिए कि कौन सा, तीनों विधियाँ एक ही है लेकिन कौन कौन सी है, रोस्टर पर इसके बाद सारणीबिद सूचीबिद, तीनों विधियाँ क्या एक ही विधियों में है तो याद कर लीजिएगा। दूसरा है समुच्च निर्माण विधि और गुणविद, ये भी अपने नाम से ही जाना जाता है कि गुणविद, अभी आपको बताएंगे गुणविद कैसे आपको पता चल जाएगा, समुच्च निर्माण विद या गुणविद, तो इनके दो नाम है, यानी दूसरे दो प्रकार के, एक ये हो गया दूसरा ये हो गया निर्माण विद और गुणविद, तो ये दो विधियां हैं। अब दो विधियां हम कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। देखो सबसे पहला है रोस्टर या सारणीविद या सूचीविद, इसको बोलते हैं रोस्टर टर्बुलर या लिस्टिंग मेथड, यानी इसमें कोई भी आपसे कहा जाए तो ये हो जाएगा रोस्टर टेबुलर लिस्टिंग मेथड। अब क्या इसमें कैसे करते हैं उसको देखते हैं, बहुत ही आसान है, सबसे आसान है यही चीज़ हमारे लिए लिखना। कहा गया इसमें सभी अवयव को, एक चीज ये हो गया कि इसमें सभी अवयव, यानी कोई भी मिल जाए तो उसके लिए सभी अवयव को कह रहा है कि कैसे लिख सकते हैं, ये अवयव हो गया। फिर कह रहा एक चीज़ मजले कोष्टक, सभी अवयव को मजले कोष्टक के अंदर अर्धविराम। अब अर्धविराम ये हिंदी शब्द है लेकिन आपको नहीं मालूम होगा क्योंकि हम बार बार कोई भी पढ़ाता है हिंदी का टीचर तो वो भी कहता है बोलते समय कॉमा, ये नहीं बोलता अर्धविराम। तो अर्धविराम क्या होता है, ऐसे आपके एक के बीच में हम क्या करते ऐसे छोटा सा कॉमा लगा देते, तो वही कह रहा है अर्धविराम लगाकर लिखते हैं, बस इतने हैं कोई भी, यानी सभी अवयवों को क्या करेंगे मजले कोष्टक में और इसके बाद अर्धविराम यानी कॉमा लगाकर लिखेंगे, बस इतना याद कर लें। रोस्टर विद या सारणीविद या सूचीविद में कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए कितने भी लिखने के लिए, यहाँ पर जब लिखोगे तो प्रत्येक एलिमेंट के बीच में यानी अवयव के बीच में कॉमा लगाकर लिखते। अब इस विधि का हम कब प्रयोग करते हैं, अगर आपसे पूछे इस विधि का आप कब प्रयोग करते हो, कब, जब अवयवों की संख्या क्या हो सीमित हो, जब अवयवों की संख्या सीमित हो इस विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी जब अवयव क्या बहुत ही कम हो तब वहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर रोस्टर विधि का प्रयोग। जैसे हमने कहा एक क्वेश्चन आपसे हम ऐसे कह दिया अंग्रेजी अंग्रेजी वर्ण माला के स्वर का समुच्च, इसको किस फॉर्म में लिखिए, रोस्टर फॉर्म में। तो आप जानते होंगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं, सपोज कर लीजिए ए बना ए ई आई ओ यू, ये हो गया, देखो लिख दिया कि नहीं हमने यहाँ पर ए ई आई ओ यू, तो एक अवयव लिखा ये हमारे अवयव हैं, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर दूसरा अवयव लिखा फिर कॉमा लगाया, तीसरा अवयव लिखा आई फिर कॉमा लगाया, चौथा अवयव ओ लिखा फिर कॉमा लगाया, पांचवा, तो पांच ही अवयव थे इसमें, इसीलिए इस पांच अवयव लिख के प्रत्येक अवयव के बीच में कॉमा, और कैसा कह रहा था मजला ब्रेकट, तो ये हमारा कैसा है मजले ब्रेकट के अंदर अर्धविराम लगा के लिख देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कहा गया अभी हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था 210 के सभी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, ऐसे लिखते हैं सभी अभाज्य गुणनखंड का समुच्च, अभाज्य संख्याओं का, ऐसे सभी 210 के सभी अभाज्य गुणनखंड का समुच्च। अब समुच्चय इसमें कौन कौन से आएंगे, 210 को अभी हमने फैक्टर किया था, यहाँ पर 210 कितना था, दो से कटेगा, दो इक्के दो जीरो, दो पंचे दस, दो पंचे दस, ये दो से अब नहीं कटेगा तीन से कटेगा, तीन से काटिए तीन तिरिक्का नौ, तीन पचे पंद्रह, फिर पाँच से पाँच सते पैंतीस, सात इक्के सात, तो इसमें कितना बना, अगर ए समुच्च लिख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक गुणनखंड एक बना, अभाज्य कह रहा तो एक तो नहीं माना, एक नहीं दो हो जाएगा,
यहाँ पे 2, 3, 4, चार नहीं, यहाँ पे केवल कितना है, 5 है और 7 है, ये बन गया। यानी हमने उसका गुणनखंड कर लिया। गुणनखंड करने के बाद क्या गया, उसके अवयव को लिख दिया, तो ये बन जाएगा। तीसरा ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल और अभी पढ़ा था कि समीकरण एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल का समुच्चय, इसको बनाइए, तो ये कितना होगा, इसको जब लिखेंगे तो गुणनखंड अभी आपने किया था इसका, ये कितना आया था, या गुणनखंड कर देते x माइनस 5x और प्लस 6 बराबर 0, तो इसका फैक्टर किए थे, x माइनस 3 आया था, x माइनस 2, x के कितने मान निकले थे, x बराबर 2 निकला था और 3 निकला था, तो ऐसे लिखा था, लेकिन हमें समुच्चय लिखना है, तो समुच्चय में जब लिखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा। तो अवयवी की संख्या क्या है, इसमें सीमित है। जब अवयवी की संख्या सीमित होती है तभी हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म या सारणीविध या सूचीविध का प्रयोग करते हैं। बस आपको यही याद रखना है, कभी भी रोस्टरविध का अगर कह दिया जाए प्रयोग करने के लिए, तो जितना एलिमेंट हो उनके बीच कामा लगा के लिखते हैं, तो हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगला है समुच्चय निर्माण विध या गुणविध। यहाँ पर समुच्चय निर्माण विध या गुणविध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड। अब प्रॉपर्टी मेथड या गुण मेथड तो सेम परिभाषा से ही निकल जाता है। इसमें कह रहा मजले कोष्टक, यानी हमेशा समुच्चय को मजले कोष्टक के चर राशि x लिखते हैं, यानी चर राशि x लिखते हैं, यानी मजले कोष्टक के अंदर सबसे पहले x लिखेंगे जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित करेगा, यानी जितना अवयव होगा x सबको प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे कि हम x का गुण लिख देंगे, यानी क्या कर दें, जो x का वो गुण लिख दें। अब देखो कैसे क्या कह रहा है, इसमें एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हमने सेट ले लिया यहाँ पर कोई भी, जैसे इसमें कहा गया कि x सच दैट x, यानी x एक क्या है, x सच दैट, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट, यहाँ पर जो अनुपात लगाया जाता है इसको पढ़ते हैं सच दैट x एक प्रकृत संख्या है, और कह रहा है 3x 10 यहाँ पर ये कहा गया कि इसमें लिखने, तो देखो x लिखा, यही कह रहा है चल x लिखते हैं जो कह रहा है समझ के प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित करता, और इसके बाद x का गुण लिख देते हैं। अब गुण लिखा कि x एक प्राकृतिक संख्या, और कह रहा है कि यहाँ पर 3x 10, यानी जो x होगा 3 से बड़ा होगा परंतु 10 से छोटा होगा। दूसरा देखो फिर वही चीज़ लिखा गया, अभी हमने लिखा था स्वर का, यहाँ पर AIOU, तो वहां पर लिखा था सब अवयव लिखा था, यहां पे अवयव नहीं लिखा गया, कि अवयव लिखा गया, देखो यहां पर कैसे लिखा गया, इसमें x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, यही तो कहा गया, जबकि आप जानते हो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या था, AEIU, लेकिन x लिखा गया तो AEIU वही होगा, लेकिन हम उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, ये नहीं करेंगे कि उसको हम पूरा लिख दें। यहां पर x सच दैट x, तो x क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर था, यानी x लिखो x सच दैट, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर यहाँ पे इसमें ऐसे लिख सकते हो x, ऐसे एक लकीर खींच दीजिए फिर x लिख दो, सच दैट लगाओगे तब भी, या इसका निशान तीर का निशान खींचोगे तब भी ये सच दैट पढ़ा जाता है, तो x सच दैट x अंग्रेजी वर्ण माला का स्वर, ये हो गया। ये तो बहुत छोटा था, अब थोड़ा सा हम बड़ा पढ़ लेते हैं। अगर हमने एक सेट ले लिया सी, हमने कहा कि प्राकृतिक संख्याओं के सेट लिखिए, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे, देखो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती, 1, 2, 3, 4 एंड 1, ऐसे चलती हुई चली जाएंगी, तो आप लिखेंगे x सच दैट x, x हो गया, फिर x लिखा, x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब कौन सी है ये हमें नहीं मालूम है, आप कुछ भी नाम लोगे वो सब आ गया। जैसे आपने कहा 1000 है इसमें, 1 लाख का या 15 लाख का कुछ भी है, तो वो तो ये संख्या है क्या, प्राकृतिक संख्या बहुत है, इसके अवयव की संख्या सीमित नहीं है। जब सीमित नहीं है तो हमने क्या किया, x लिखा, x लिखने के बाद उसकी प्रॉपर्टी, यानी x क्या था, एक प्राकृतिक संख्या था, ये लिख दिया, तो ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, या समुच्चय निर्माणविध या गुणविध। तो देखो गुण क्या लिखा गया, x का गुण लिख दिया यहाँ पर, तो ऐसे हम कोई भी एक और डी बना देते हैं, जैसे हो जाए x सच दैट x अंग्रेजी
अंग्रेजी, वर्णमाला के व्यंजन। अब व्यंजन आप जानते होंगे कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़कर, यानी बी सी और जो होंगे वहाँ पे, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। बस हमें कोई भी लिखना होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इतना हो जाएगा और हम लिखना सीख चुके हैं कि समुच को कैसे लिखते हैं। जो अगला एक्सरसाइज होगा, यानी इससे पहले एक्सरसाइज होगी, वो आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। आप इतना अच्छे से पढ़ लेंगे, अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने बता चुके हैं कि कैसे कैसे क्या था, यानी कैसे हम सेट बिल्डअप फॉर्म लिखते हैं या रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं सेट को, वो बता चुके हैं। कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छे से क्वेश्चन लाएंगे कि 1.1 का आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को पास शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सकें अच्छे ढंग से। और वीडियो देखने के थैंक यू सो मच।